प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के चलते जयपुर शहर में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। ये रोड शो चांदपोल स्थित पीसीसी कार्यालय से होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ गलता गेट पहुंचा और इस दौरान शहर में जगह जगह रोड शो का स्वागत किया गया और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, महेश जोशी सहित शहर के सभी विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे और साथ ही इस दौरान प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के साथ खास बातचीत की हमारे A1 संवाददाता दिनेश कसाना ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा, उससे पूर्व शहर कांग्रेस की ओर से ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे आज जो जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से रोड किया जा रहा है, उसमें जो जनसमूह उमड़ा है लगातार, उसमें कांग्रेस के नेता जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वो हमारे साथ हैं। सर, जयपुर शहर की जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को? देखिए, ये अतः जो जन पूरा जन सैलाब यहाँ उकला हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि अपना आशीर्वाद देने के लिए ये उनका जोश, इस चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान को बचाने का ये जोश है। इस चुनाव में देश की जनता तानाशाह और साथ ही साथ लोकतंत्र के बीच का चुनाव करने जा रही है। देश के अंदर पिछले 5 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे गलत GST हो, चाहे हमारे कारोबार छोटे कारोबारियों के कारोबार बंद हुए हों, एक ऐतिहासिक बेरोजगारी पिछले 43 साल में पहली बार भारत झेल देख रहा है और युवकों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। हमारे जनता जो माननीय मोदी जी या अमित शाह के आपको भय में महसूस कर रहे हैं और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है और विशेष रूप से राजस्थान में कांग्रेस अपना मिशन 25 पूरा करने जा रही है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, 13 सीटों पर मतदान हो चुका है, क्या लगता है कितना मैंडेट जनता ने? पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि इन 13 में से 13 सीटों पे बहुत अच्छी मुकाबला हमारा है और हम उसमें जीत हासिल करेंगे। मिशन 25 को लेकर आप निकले हैं, अगर बात की जाए, राहुल गांधी लगातार प्रदेश में सभा कर रहे हैं, काउंटर में नरेंद्र मोदी जो PM है वो यहाँ पर सभा कर रहे हैं, क्या लगता है न्याय योजना राष्ट्रवाद पर हावी रहे? यही कोशिश है। एक तरफ देश में राहुल जी मोदी जी के बनावटी एवं जो उनके भावनात्मक विषय को लेकर फिर से देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों के बीच में लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अपनी जागरूकता बताते हुए लोगों को सही निर्णय लेने का आह्वान कर रहे हैं और ये जो चुनावी सभाएं हैं ये जनता के बीच में हम अपना कार्यक्रम, चाहे वो हमारी न्याय योजना हो, चाहे हमारे बेरोजगारों के प्रति हमारी दी हुई योजना हो, या देश के जो सबसे गरीब वर्ग है उसको 72,000 रुपये प्रतिवर्ष और 5 सालों में 360,000 रुपये उनके घर की महिलाओं में जमा कराने की जो योजना है, ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न है। लोगों में राहुल जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति आस्था और विश्वास है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले किसानों का कर्ज माफी किया, जिस तरह पूरे देश में मनरेगा के नाम पर लोगों को 100 दिन प्रतिवर्ष 100 दिन नौकरी देने का एक अधिकार दिया, मुझे विश्वास है कि देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यक्रमों पर पूरी आस्था रखते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को पूरा आशीर्वाद दिया। आधे से अधिक मतदान हो चुका है पूरे देश में, पूरे देश में मोदी जी के विरोध में एक लहर उठी हुई लोगों के बीच में, इतने दिनों से जो वो संविधान का को कमजोर होती हुई और जितनी संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से उनने अपनी राजनीतिक हाथ की कठपुतली बना रखा है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि BJP मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। कांग्रेस हमेशा से कहती है कि लोगों ने सोच समझकर देश के हित में, देश के भविष्य के लिए और हमारा लोकतंत्र जो हमारी सबसे आधारशिला है, जिसने पूरे देश को एक जुट बांध रखा है, उसको नजर रखते हुए अपने निर्णय ले और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है, इसका फायदा उठाए और इसमें जो सही काम करने वाली सही सरकार है जिसमें लोग अपने आप को सहज महसूस करें। तो हमारे साथ है जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल, वो भी साथ हैं। कितना प्यार और आशीर्वाद? खूब प्यार, खूब आशीर्वाद, खूब समर्थन और यही जयपुर की जीत का आधार है और कांग्रेस पार्टी जयपुर जीतेगी।
ये थे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल। लगातार प्रदेश की और जयपुर शहर की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस की जीत का दावा भी कांग्रेस नेता लगातार कर रहे हैं, लेकिन 23 मई को ही ये कहना होगा कि कांग्रेस को कितना मैंडेट प्रदेश की जनता देती है। वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।